नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, भाई साहब जलेबी की मैदा में रंग काट ज़्यादा हो जाए तो क्या करें और क्या होगा। ठीक है, ये पूछना चाहते हैं, यदि रंग काट जलेबी के मैदा में ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव होता है, उससे क्या फर्क आएगा। ठीक है भाई साहब, पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ रंग काट क्या काम करता है। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस विषय में। रंग काट पर सर्च मारते हो तो आप रंग काट जलेबी, जैसे मान लीजिए पहले हम 5 5 6 6 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हमारे जलेबी का खट्टा घोल के रखते थे। ठीक है, वो खट्टा हो जाता था। अब करंट, यानी कि करंट तुरंत हम खट्टा उठा सकते हैं रंग काट से। ठीक है, रंग काट तुरंत खट्टा उठाने के लिए काम आता है, इसलिए हम रंग काट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तुरंत जो हमारी जलेबी की मादा है उसको उठा देता है रंग काट, यदि हम डालते हैं तो। मान लीजिए हम जलेबी की जो मादा है उसके अंदर हमने थोड़ा सा हवा भर रंग काट लगाना होता है, 10 से 15 मिनट वेट करना होता है, ये 5 मिनट वेट करना होता है। 5 मिनट के बाद वो जलेबी चलने लग जाती है, उसकी चीड़ टूट जाती है। ठीक है, वो इस काम आती है। मान लीजिए जलेबी की, मान लीजिए इसके अंदर हमने रंग काट ज़्यादा लगा दिया है, वो होता तो कुछ नहीं है भाई रंग काट ज़्यादा लगाने से, लेकिन एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यदि हम उसके अंदर कलर डालते हैं जलेबी के, कलर मैदा के अंदर तो डाल नहीं सकते, क्योंकि एक तो हम रंग काट लगाएंगे या फिर कलर लगाएंगे, एक ही चीज़ लगती है। ठीक है, कलर तो उसके अंदर डाल नहीं सकते, हम कलर डालेंगे चाशनी के अंदर। चाशनी के अंदर यदि कलर डालते हैं तो वो जलेबी बनाते हैं तो 1 से 2 दिन बाद कलर उसका उठने लग जाएगा, यदि रंग काट ज़्यादा होगा तो हमारी जलेबी की मादा के अंदर 1 से 2 दिन बाद हमें कलर उठने का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कारण तो ये होगा हमारा। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि हम जलेबी बना रहे हैं, जलेबी बनाते समय जो हमारा जलेबी की मादा है वो मादा कुछ 5 7 मिनट या 10 मिनट बाद पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी अधिक रंग काट होगा तो। ठीक है, 10 मिनट बाद, लगभग 10 मिनट बाद यदि पतली हो जाती है तो उसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ा सा मैदा या फिर आटा मिलाना होता है, उसके अंदर मिला लेंगे तो वो फिर से टाइट हो जाएगी, अच्छी तरह से चलने लग जाएगी। तीसरी बात, यदि गर्मियों का टाइम है, रंग काट ज़्यादा होगी तो उसके अंदर हमारी जो जलेबी है, जलेबी जल्द से जल्द ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। ये जो कारण है यदि हमारी मैदा के अंदर रंग काट ज़्यादा हो गया तो। गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।